ये सब क्या, हमने चुनाव जीतना है छतरपुरा। कार्यकर्ता हो क्या? कार्यकर्ता नहीं, मैं नेता हूँ। अच्छा, कहाँ से हो? आजमगढ़ जिला से। आजमगढ़ से यहाँ कैसे आए छतरपुर जिले? अरे हम लोग गाड़ी से आए, राजचेतर जी भेजे जाओ प्रचार। अच्छा, किस तरीके से प्रचार करते हैं समाजवादी पार्टी का? तो अब यूपी में भी कोई विशेष? अरे यूपी भी होगा। अरे बारिश चुनाव जीते जाए। क्या लगता है कि कितनी सीटें आ पाएंगी समाजवादी? 150। 150 सरकार बना लोगे? बना लेगी सरकार। समाजवादी पार्टी को इसलिए चुन रहे हैं कि जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं, वो उनकी एक ऐसी पार्टी है कि ना भ्रष्टाचार और ना दलाली ऐसा कुछ काम नहीं करती है। चुनावी चौपाल लगी है छतरपुर में, जहां पर हम यहां पे पीछे मौजूद युवा, चूंकि अब देश युवाओं के हाथों में है, तो हम युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार भाजपा कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी पर विश्वास क्यों। आपसे शुरुआत करेंगे और ये जानेंगे कि आप समाजवादी पार्टी को क्यों चुन रहे हैं युवा? समाजवादी पार्टी को इसलिए चुन रहे हैं कि जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं, वो उनकी एक ऐसी पार्टी है कि ना भ्रष्टाचार और ना दलाली ऐसा कुछ काम नहीं करती है और जनता के हित में ही काम करने का आश्वासन देती है। जब भ्रष्टाचार नहीं करती, जनता के हित में काम करती है, तो यूपी से क्यों नकार दिया गया? यूपी से क्या है कि यूपी में थोड़ा सा जैसे कि थोड़ा सा माहौल कार्यकर्ताओं के द्वारा बिगाड़ दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें यूपी की सरकार कहीं कहीं थोड़ा सा डिस्टेक हो गई थी इसलिए। तो ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक समय पर राज किया है, अब मध्य प्रदेश में हर विधानसभा पर चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतार रही है, तो छतरपुर जिले में क्या स्थिति लगती है? छतरपुर जिले में यही स्थिति है कि अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बाकी ये है कि उम्मीद पूरी है। हम लोग कार्य लगन मन से धन से हर चीज से लगे हुए हैं, प्रयास यही रहेगा कि समाजवादी पार्टी को विजय बनाया जाए। अधिकांशतः पार्टियों में देखा है कि नेतागिरी भ्रष्टाचार जमाने भर का कुछ ऐसा वैसा होता रहता है, लेकिन इस पार्टी में ये है कि ऐसा कुछ अभी तक सुनने के लिए नहीं आया है। और यही कार्यकर्ताओं का है कि कार्यकर्ता इस पार्टी में मन से लगन से हर तरीके से काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अच्छा काम करती है और इस बार विधानसभा चुनाव में सभी पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो अभी पिछले 18 की चुनाव की बात करें तो एक ही विधायक बन पाया था समाजवादी पार्टी का, और इस बार फिर सारे प्रत्याशी उतारे हैं। क्या लगता है इस बार? इसलिए प्रत्याशी उतारे हैं क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में लाना चाह रहे हैं। जो पहले यूपी का वो था, वैसे ही यहाँ लाना चाह रहे हैं वो। यूपी की तरफ एमपी में भी अब अखिलेश जी का रुझान है? जी जी, यूपी में बहुत से ऐसे काम किए हैं उन्होंने कि वो अब यहाँ आ जाए तो अच्छा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, भाजपा की सरकार है, अब ऐसे में सपा की सरकार कैसे आ पाएगी? जी मैं सरकार वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, ये है कि एक बार मौका कांग्रेस को दे दिया है, फिर भाजपा चल रही थी, अब मौका किसी दूसरे को देना चाहिए, मेरा ये मत है। छतरपुर जिले के लिए क्या सोच रखते हैं? छतरपुर जिले में यही है कि पहले ललिता यादव जी थी, फिर उसके बाद पज्जन चाचा हुए, अब किसी नए विधायक का हम लोग चाहते हैं कि कोई नया विधायक बने। आपकी नज़र में क्या परिवर्तन होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस तरीके का हो परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन होना बहुत जरूरी है अपने यहाँ, मतलब कोई नया विधायक बने अपने यहाँ पे जी। और जिले की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को किस कैटेगरी में तोलते हैं? ठीक है, मांगे देखते हैं जैसा परिणाम होगा। इस तरीके से लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने अपने सारे कैंडिडेट उतार दिए हैं, और भी युवा मौजूद हैं, कुछ समाजवादी पार्टी की टोपी भी लगाए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की टोपी लगाकर आप कार्यकर्ता हैं, तो अब क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी कोई करिश्मा कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, मध्य प्रदेश में करेगी करिश्मा। हाँ, क्या होगा परिवर्तन? कुछ परिवर्तन भी होगा, चेंज होगा, क्योंकि दोनों लोगों का देख लिया है, छतरपुर में भी देख लिया और एमपी में भी हो चुका है, इसलिए जो कि 108 एम्बुलेंस यूपी में अखिलेश जी ने चलवाई थी, तो उसी का कॉपी करके अपने एमपी के शिवराज मामा लाए थे, तो कॉपी कर रहे ना, तो सोच तो युवा की अखिलेश भैया की है, और
उनका कॉपी कर रहे हैं शिवराज के प्रदेश मामा। तो इस बार सब लोगों का यही कहना है कि इस बार सरकार चेंज ही होना चाहिए और पीडीएफ जैसी जो यूपी में है वो एमपी में भी आएगी। मैं मनोज कुशवाहा, प्रदेश सचिव यूजन महासभा। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी इस बार पूरे मध्य प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रही है, क्या लगता है कितनी सीटें ले पाएगी समाजवादी पार्टी? ये तो नहीं कह सकते कितनी सीटें आएंगी, अपना छतरपुर का बता सकते हैं हम। छतरपुर साल हमारे यहाँ पे ललित यादव विधायक रही, मंत्री भी रही, क्या उपलब्धि है उनकी? पज्जन चाचा 5 साल रहे विधायक, क्या उपलब्धि है उनकी? 5 साल क्या किया उनने? फिर बालू खुदवाई उनने, 15 महीने कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कांग्रेस सरकार ने गौशाला खुलवा दी, बजट दिया नहीं, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, ललित यादव फिर आ गई है मैदान में, बुरी मार बुरी वो खा के चुनाव में हार के आई है छतरपुर। पज्जन चाचा हैं फिर दौड़ रहे हैं, क्या किया है पज्जन चाचा ने? क्यों चाचा चाचा? चंसौरिया जी हैं हमारे, मास्टर हैं, टीचर हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, हम इनको देंगे ना वोट? मतलब साइकिल से नहीं है कि साइकिल है, चंसौरिया जी हैं इसलिए साइकिल है। अच्छा। समाजवादी को हम लोग छतरपुर से विजयी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी को छतरपुर विधानसभा की अगर बात करें तो उसको लेकर इन युवाओं का मन है कि इस बार कुछ चेंज होना चाहिए। आपकी उम्र तो काफ़ी कम लग रही है लेकिन सर पर समाजवादी पार्टी की टोपी है, हाँ। क्या है ये सब? ये सब क्या है? हमने चुनाव जीतना है छतरपुर। कार्यकर्ता हो क्या? कार्यकर्ता नहीं, मैं नेता हूँ। अच्छा, कहाँ से हो? आजमगढ़ जिला से। आजमगढ़ से यहाँ कैसे आए छतरपुर जिले में? अरे हम लोग गाड़ी से आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेजे जाओ प्रचार के लिए। अच्छा, किस तरीके से प्रचार करते हैं समाजवादी पार्टी का? तो अब यूपी में भी कोई विशेष अवसर तो नहीं? अरे यूपी भी होगा, अरे बारिश चुनाव जीते जाए। क्या लगता है कि कितनी सीटें आ पाएंगी समाजवादी? 150। 150 सरकार बना लोगे? बना लेगी सरकार। अच्छा, तो इस तरीके से एक छोटे से युवा की सोच है कि 150 सीटें समाजवादी पार्टी की आने वाली हैं, लेकिन अभी चुनाव में थोड़ा सा वक्त है, मतदाताओं को सोचने समझने के लिए काफ़ी समय मिला हुआ है। आप ये बताइए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का लगता है कि कुछ चेंज होने वाला है, चूंकि भाजपा और कांग्रेस ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है? और चाहिए चेंज तो होना चाहिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी NDA को इंडिया गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश में भी बात बनने वाली है, लेकिन अब BJP और कांग्रेस में काफ़ी युवा इससे प्रताड़ित हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि 20 साल से मध्य प्रदेश में BJP गवर्नमेंट है, तो बदलना चाहिए, चेंजिंग युवा, हर युवा चाह रहा है कि गवर्नमेंट बदलना चाहिए। तो हम लोग सब समाजवादी पार्टी के साथ में है। समाजवादी पार्टी क्या कर पाएगी? अब नई पार्टी है तो नई उम्मीद तो हर कोई लगाता है, अब पार्टी करेगी जो कुछ भी उसके विचारधारा में होगी, उसकी आइडियोलॉजी सही है, विचारधारा तो सही है। मध्य प्रदेश के नारे तो चेंजिंग का काफ़ी टाइम है कि 20 सालों से BJP गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, तो युवा यहाँ परेशान है। तो जो यूपी का जो मध्य उत्तर प्रदेश में पहले हुआ अखिलेश जी की सरकार में, वही मध्य प्रदेश में हम लोग देखना चाहते हैं। छतरपुर से तो शायद तय है कि सपा पार्टी ही निकलेगी। आप क्या कहना चाहते हो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतार रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस ने सरकार अपनी काबिज की हुई थी, अब कितना परिवर्तन हो पाएगा यहाँ पे? इस बार पूरा युवा जो जितना छतरपुर का है सब लोग एकजुट हैं और इस बार बदलाव चाहते हैं। ना तो कांग्रेस ने कुछ किया है ना भाजपा ने कुछ किया है इस बार, इसलिए हमने चाचा को अपने चुना है और चंसौरी जी को विधायक बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे युवा बता रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी का झंडा थामे हुए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव जब होगा तो उसमें समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी करने वाले हैं, और जो समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट लगातार उतार रही है तो उसको लेकर भी ये युवा कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी पहले से आप समाजवादी पार्टी से छतर जी, लेकिन यहाँ पे कोई जादू नहीं करनी पा रही समाजवादी पार्टी? देखिए ये कहना तो आपका गलत है, आपको पता होना चाहिए नाती राज आज जो चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं उनका शुरुआती राजनीति दौर शुरू किया तो समाजवादी पार्टी से यहाँ के सदर विधायक बने थे, और मैं समाजवादी पार्टी से पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, कई पदों पर। जिले में 6 विधानसभा में से एक ही सीट आती है समाजवादी पार्टी की? देखिए ऐसा नहीं है, इस जिले से हमारे 4 विधायक रहे, अब 3 बार तो विजय बहादुर सिंह बुंदेला भी रहे, भैया राजा भी विधायक रहे, नाती राजा भी विधायक रहे समाजवादी पार्टी से, लेकिन वो रह नहीं पाए, और अभी पिछली बार भी हमारे विधायक थे बिजावर से, वो चले गए, हमारा झंडा नहीं ले गए, डंडा नहीं ले गए, लेकिन उसका उन्हें जनता जवाब देगी इस चुनाव में। क्या ऐसा कारण रहता है कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जीत जाता है और मैदान खाली करके दूसरे दल में चला जाता है?
ये तो बात आपको उनसे पूछना चाहिए। जे उनसे आप बताइए, पूछे कि भाई आप क्यों चले जाते हो, जनता ने आपको जिताया, आपको उस पार्टी का सम्मान रखना चाहिए। वो कहते हैं कि यहाँ पे हमें सम्मान नहीं मिलता, हमारे कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता, जनता का काम नहीं होता, फिर कैसे काम बताइए। जे उनका कहना गलत है, क्योंकि जिस पार्टी ने आपको विधायक बनाया, जनता ने आपका सम्मान किया, आप उसी को कहते हैं कि सम्मान नहीं मिलता। सम्मान नहीं मिला तो आप उस पार्टी में आए क्यों, लड़े क्यों उस पार्टी से चुनाव? इस बार समाजवादी पार्टी का कितना फायदा होगा? इस बार पूर्ण फायदा होगा, उसके बगैर सरकार नहीं बनेगी। बिना समाजवादी पार्टी के कोई सरकार नहीं बना पाएगा। और मुझे तो लगता है कि छतरपुर में भी समाजवादी पार्टी अब की बार जीतेगी। तो इस तरीके से सभी लोगों ने अपने मत रखे हैं और बताया है कि समाजवादी पार्टी का किस तरीके से चुनाव में यहां पे प्रचार प्रसार होगा। इसके अलावा युवा जो परिवर्तन चाह रहे हैं, अब देखना होगा कि युवाओं की दम पर कितना परिवर्तन हो पाता है।